हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है दिन फ्राइडे और 31 दिसंबर है, तो 2021 साल का लास्ट डे है आज। और कल से जो है नया दिन, नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबको फ्रेंड्स से एडवाइस में हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसे सेलिब्रेट करोगे 2022 को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे मुंह से अभी निकल जा रहा था 2021, मतलब वही है, 21 बोलते बोलते रिपीट हो जाता है मुंह में। तो वैसे तो हमारा प्लान चल रहा है कि हम जो है 1 जनवरी 2022 को कहीं घूमने जाएंगे। तो प्लान चल रहा है, जब कंफर्म हो जाऊंगी तो वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर ही करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो 2021 साल जो है मेरे लिए बहुत ही बुरा साल रहा, क्योंकि मेरे साथ इस साल में बहुत ही बुरा सा ही हुआ, कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। जो सोच के मतलब चल रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान से प्रे करती हूँ कि 2022 साल जो नया साल आ रहा है हमारे लिए, वो बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही बढ़िया जाए, और जो हमने मन में ही सोचा वो हमारी ख्वाहिशें पूरा हो। और जो आपकी भी ख्वाहिशें 2022 में, वो सारी ख्वाहिशें आप सबकी पूरी हो जाए गाइस। मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ। और नया साल में आप सब खुश रहना, अगर आपके मन में कोई भी दुख दर्द हो उसे साइड में रख दो, नए साल को नए तरीके से शुरुआत करो। और अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करो ज़्यादा, उन्हें प्यार दो, उनके साथ रहो ज़्यादा, क्योंकि फैमिली वालों की प्यार, देखो गाइस, हमारे लाइफ से अगर चले जाते हैं ना तो वो नहीं मिलता है। तो उसे आप तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, हमेशा उसे प्रायोरिटी ज़्यादा देना अपने फैमिली वालों को। ये देखिए, सुबह रियान उठा है सो के, और जब से ये स्पाइडरमैन का स्वेटर खरीदा है ना, तब से इसको स्पाइडरमैन का स्वेटर ही पहनना है। और कोई भी स्वेटर पहनाती हूँ ना, नहीं मम्मा नहीं पहनना है मुझे, मुझे स्पाइडरमैन का स्वेटर पहनना है। क्या भूत चढ़ा है इसे, है ना यार। फ्रेंड्स को एडवाइस में हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, हम लोग घूमने जाएंगे, तो वो तो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसका भी वेट करना। हस्बैंड जी आज प्लान कर रहे हैं। गाइस, ब्लॉग पे बने रहना। और नए साल की शुरुआत मैं चाहती हूँ अपने काम से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में हमें काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और काम से ही प्यार करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ नए साल जो है मैं काम से अपना स्टार्ट करूँ। घर का काम जो है अभी भी फैला पड़ा है, तो सारा काम करूँगी और आपके साथ जो जो भी करूँगी वो शेयर करूँगी। गाइस, बेडशीट तो चेंज कर लिया है, बट अभी जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू वैसे मैंने सुबह भी लगाया था, अभी फिर से और एक बार झाड़ू लगा के पोछा लगा लूंगी। गंदा हो गया फिर से फर्श। ऑलमोस्ट सारा काम करने के बाद नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कपड़े जो है बहुत सारा मैंने वॉश किया, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। कपड़े जो है छत पे डाल के भी आई हूँ सुखाने के लिए। और लंच वगैरह करने के बाद वीडियो स्टार्ट किया है। अभी दोपहर तो नहीं, इवनिंग बोल सकते हो, 3:30 हो गया है। 4 बजे से इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो 3:30 बज गया है। हस्बैंड को मैंने कॉल किया था कल घूमने जाएंगे कि नहीं 31st मनाने, तो उन्होंने बोला कि हाँ कंफर्म है, कल हम लोग जाएंगे घूमने। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। आज तो पैकिंग वगैरह भी करना है, जो जो कल लेके जाऊंगी। और अभी जो है रियान को मैं ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी, वहाँ से आने के बाद कुछ मीठा बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना नए साल की शुरुआत मीठे से स्टार्ट करो तो हमेशा मीठा मीठा बोलोगे। तो कुछ मीठा तो बनाइए घर पर, स्वीट बना के, और अपने फैमिली वालों को खिलाइए, और आप भी खाइए और खुश रहिए। तो चलिए गाइस, रियान को छोड़ के आती हूँ अभी। तो ये देखिए गाइस, मम्मी भैया भाभी ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया, और बोल के नहीं आए, और तो अचानक से सरप्राइज मिला मुझे। तो मम्मी की तबीयत जो है ख़राब था, तो भैया जो डॉक्टर के पास लेके गए थे मम्मी को दिखाने,
तो आते वक्त हमारे घर से भी घूम के जा रहे हैं अभी। आज रुक जाना मम्मी, भाभी भी रुक जाना, मम्मी कह रही जल्दी से घर जाना है। लोभ लग दी से चौपर पार्टी दी है। खाओ खाओ, हाँ गाड़ी मत बनाओ, खाओ जल्दी से। ये क्या है आपके हाथ में रियान? ये अमरूद है। देखो गाइस, हमारी प्यारी सी भाभी को हम बोल रहे हैं रहने के लिए, लेकिन रुकती नहीं है भाभी, जब भी आती है चली जा रही है। और हमारे घर में कभी भी कोई भी आए ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम हमेशा अकेले रहते हैं, एक खुशी का माहौल बन जाता है घर पे। और मम्मी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर जल्दी से आओ रहने के लिए। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मम्मी को डॉक्टर दिखाने के लिए लेके आए थे भैया, और फिर वहाँ से जो है हमारे घर पे भी घूमने आए थे, क्योंकि मम्मी बहुत दिन हो गया है आई नहीं। और मैंने वैसे फ़ोन भी कर दिया था कि मम्मी घूमने आ जाना हमारे घर पे, बहुत दिन मैंने आपको देखा नहीं, तो मम्मी आ गई थी, फिर मिल के फिर घर भी चली गई मम्मी। अभी गाइस मीठे में मैं बना रही हूँ सिमई, तो कढ़ाई में घी डाल दिया है, उसके बाद सिमई डाल दूँगी, सिमई को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, जब सिमई थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर जो है इसमें दूध ऐड कर दूंगी, तो जितना दूध हमें चाहिए होगा उतना ही ऐड करेंगे, और फिर इसे हम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। और देखिए हमारी दूध में बॉईल आ गया है, फिर इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ड्राई फ्रूट जो आपको भी पसंद हो वही आप डाल सकते हो, फिर जो है इसमें चीनी ऐड कर देंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और चीनी ऐड करने के बाद फिर 5 मिनट तक इसे हमने पकने दिया, और देखिए हमारी सिमई यहाँ पर रेडी है फ्रेंड्स। इसमें लास्ट में हमने इलायची कूट के डाल दिया है, और देखिए कितना बढ़िया बना है हमारे सिमई, तो बहुत ही झटपट बन जाता है ये सिमई और खाने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस देखिए रियान ट्यूशन से आ गया, अभी जो है वो सिमई खाएगा, है ना? क्या क्या खाओगे? तो मैकोनी मैक्रोनी चाहिए। चलो पापा आने दो, फिर पापा आपको बोलूंगी और फिर मैक्रोनी खाएंगे। रियान कल घूमने जाओगे? कल पता है हम लोग कहाँ जा रहे घूमने? मुक्तेश्वर। रियान को खाना है गाइस मैक्रोनी, और मैं कह रही हूँ ये सिमई खा लो, नहीं खाएगा। खा के तो देखो, एक चम्मच टेस्टी है, तुम्हारे दोस्त को दे दूंगी मैं। फिर अच्छा दोस्त को दू? अच्छा खुद नहीं खाओगे? बदमाश, देखो कैसे बोल रहा है कि दोस्त को दो दोगे। रियान एक बात बताओ, पापा जब से ऑफिस से आए हैं आपने किस चीज का रट लगाया? पिज्जा। तो रियान को पिज्जा खाना है, जब से उसके पापा ऑफिस से आए हैं तब से उसके पापा को परेशान कर दिया है ये पिज्जा खाने के लिए। तो देखिए फाइनली इसने ऑर्डर भी कर दिया और पिज्जा आ भी गया है, तो हमारा जो है 31st बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेट हो रहा है रियान के वजह से, क्योंकि रियान ने उसके पापा को जिद करके मंगाया पिज्जा। मिर्ची नहीं है? नहीं है, नहीं आप मिर्ची वाला नहीं खा पाते हो ना, तो नहीं मंगाया वो वाला।
गाइस अभी जो है वीडियो को एंड करती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करना क्योंकि बहुत ही बढ़िया झक्कास होने वाला है वीडियो। और आप सबको वंस अगेन गाइस हैप्पी न्यू ईयर।